दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको मोटापा नहीं आएगा। इन चीजों को आप पेट भरकर जितना मन चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन इन्हें खाने से आप मोटे नहीं होंगे। और यह चीजें खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। तो अगर आप अपना वजन भी कम रखना चाहते हैं और खाने के मजे भी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यह बात मन में आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज को जितना मर्जी खा लो लेकिन शरीर के ऊपर मोटापा ना आए, वजन ना बढ़े, क्योंकि कैलोरीज तो हर चीज में होती हैं। ज्यादा कैलोरीज खाने से मोटापा तो जरूर आता है। इसके पीछे भी एक साइंस है। सबसे पहले आपको इसी साइंस को समझना पड़ेगा। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इसे बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसी बात के बारे में समझाता हूं। देखिए, हर खाने की चीज की एक सटाइटी वैल्यू होती है। सटाइटी का मतलब है किसी चीज को खाने के बाद संतुष्टि की भावना, यानी किसी चीज को खाने के बाद जब आपका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, आपका मन उस चीज को खाने को और ज्यादा नहीं करता है, आपका मन भर जाता है, आपका पेट भर जाता है, आप पूरी तरह से फुल महसूस करते हैं, उस चीज को खाने की इच्छा और नहीं रहती है, तो इस पेट भरने की भावना को इंग्लिश में सटाइटी कहते हैं। खाने की हर चीज की अपनी एक सटाइटी वैल्यू होती है। सटाइटी वैल्यू का अर्थ यह है कि किसी चीज को कितनी मात्रा में खाने के बाद आपको संतुष्टि महसूस होती है, पूरा फुल महसूस होता है। खाने की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा मात्रा में खाने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है, और खाने की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़ी मात्रा में खाने के बाद ही आपको संतुष्टि मिल जाती है। उदाहरण के लिए, 200 कैलोरीज चिकन खाने के बाद आपको पूरी संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन केक खाने के बाद आपको पूरी संतुष्टि लेने के लिए आपको 500 कैलोरीज खानी पड़ती हैं। तो चिकन की स्टाइटी वैल्यू केक से ज्यादा है, क्योंकि चिकन थोड़ी सी मात्रा में खाने पर ही आपको संतुष्टि दे देता है, लेकिन केक से संतुष्टि लेने के लिए आपको केक को ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चिकन खाने से आपका वजन उतना नहीं बढ़ेगा जितना वजन आपका केक खाने से बढ़ेगा। तो खाने की जिन चीजों की सटाइटी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी जो चीजें थोड़ी मात्रा में खाने के बाद ही आपको संतुष्टि दे देती हैं, उन चीजों को खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है, मोटापा नहीं आता है, बल्कि उल्टा आपका वजन कम होता है। इन चीजों का इस्तेमाल आप अपने वजन को कम करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों की सटाइटी वैल्यू कम होती है, जिन्हें ज्यादा मात्रा में खाने पर आपको संतुष्टि मिलती है, ऐसी चीजें आपका वजन बढ़ाती हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा खाना पड़ता है संतुष्टि लेने के लिए, जिससे आपको ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं, जिससे आपका वजन बढ़ता है। बस आज का वीडियो इसी के बारे में है कि खाने की किन चीजों की सटाइटी वैल्यू ज्यादा है, किन चीजों को थोड़ी मात्रा में खाकर आप पूरा फुल महसूस कर सकते हैं, पेट भरा हुआ महसूस कर सकते हैं, संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। इन चीजों को खाने से आपको कैलोरीज कम मिलेंगी, कम कैलोरीज में ही आपका पेट भर जाएगा, जिससे पूरे दिन में आप कम कैलोरीज खाएंगे, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा बल्कि उल्टा आपका वजन कम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे सटाइटी वैल्यू के बारे में। जिन चीजों की सटाइटी वैल्यू ज्यादा है उन्हें कम मात्रा में खाकर ही पेट भर जाता है, जिससे वजन नहीं बढ़ता है, और जिन चीजों की सटाइटी वैल्यू कम होती है उन्हें ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है संतुष्टि हासिल करने के लिए, जिससे आपका वजन बढ़ता है। तो चलिए खाने की उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनकी सटाइटी वैल्यू ज्यादा है, जिन्हें कम मात्रा में खाकर ही आप अपनी भूख मिटा सकते हैं और अपना वजन भी कम कर सकते हैं। नंबर एक पर है उबले हुए आलू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आलू को हमेशा से ही वजन बढ़ाने वाला माना जाता है, क्योंकि आलू में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आलू आपको मोटा नहीं बनाता है। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। आलू की सटाइटी वैल्यू ज्यादा होती है, कम मात्रा में खाकर ही आपको संतुष्टि महसूस होती है, पेट भरा हुआ महसूस होता है। दूसरा, आलू में जो स्टार्च होती है वह नॉर्मल स्टार्च नहीं होती है। आलू में जो स्टार्च होती है उसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहा जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च में नॉर्मल स्टार्च के मुकाबले आधी कैलोरीज होती हैं। यानी अगर 1 ग्राम नॉर्मल स्टार्च में 4 कैलोरीज होती हैं, तो 1 ग्राम रेजिस्टेंट स्टार्च में 2 कैलोरीज होती हैं। इस प्रकार आलू में स्टार्च से भरपूर दूसरी खाने की चीजों के मुकाबले आधी कैलोरीज ही होती हैं। इसलिए आलू को अगर आप सही ढंग से खाते हैं तो ना तो आपका वजन बढ़ेगा, बल्कि उल्टा इसका इस्तेमाल आप अपने वजन को कम करने के लिए कर सकते हैं।
आलू को उबालकर उसे ठंडा करने से उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे आलू में कैलोरीज और ज्यादा कम हो जाती हैं। इसलिए आलू को उबालने के बाद हमेशा ठंडा करके ही खाना चाहिए। रेजिस्टेंट स्टार्च एक प्रकार से डाइट्री फाइबर की तरह ही काम करती है। जब भी आपका मन कुछ स्नैक्स खाने को करे तो बजाय इसके कि आप कोई चिप्स खाएं या कुछ मीठा खाएं या कोई पकौड़े वगैरह खाएं, इसकी बजाय आप एक या दो उबले हुए आलू खाएं। इससे आपका पेट तुरंत भर जाएगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी और आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगी, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और खाना खाने से पहले भी आप आधा घंटा पहले एक आलू खा लें। इससे जब आप खाना खाएंगे तो आप खाना कम मात्रा में खाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपको कुछ संतुष्टि आलू खाने से मिल जाएगी और बाकी की संतुष्टि आपको थोड़ा सा खाना खाने से ही मिल जाएगी। इस प्रकार आपके शरीर में कैलोरीज की मात्रा कम जाएगी। इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा, उल्टा आपका वजन कम होगा और आपको भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा, आपका पेट भी भर जाएगा। और आलू से आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, पोषक तत्व भी मिलते हैं। आलू में विटामिन, फाइबर और बहुत सारे दूसरे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उबला हुआ आलू खाइए और अपना वजन घटाइए, लेकिन सिर्फ उबला हुआ आलू खाइए, आलू के चिप्स खाने से आपका वजन बढ़ेगा। नंबर दो, उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे भी भूख को बहुत ज्यादा संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। उबले हुए दो अंडे खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपकी भूख एकदम शांत हो जाती है और आपको दो अंडों से कैलोरीज भी बहुत ही कम मिलती हैं। इस तरह अंडों की सटाइटी वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा हाई है। अंडों में ना तो शुगर होती है और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अंडों में प्योर प्रोटीन होता है, तभी अंडा खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है, बल्कि अंडों का इस्तेमाल आजकल डाइटिशियन वजन को कम करने के लिए करते हैं। अंडे खाने के बाद आपको अगली भूख भी काफी देर के बाद लगती है, जिससे अंडे खाने के बाद आप काफी देर तक और कुछ भी नहीं खाते हैं, जिससे आपकी पूरे दिन की कैलोरीज कम हो जाती हैं। इससे आपका वजन कम होता है। आप अपने सुबह के नाश्ते में उबले हुए अंडे खाइए, आप देखेंगे कि आपको पूरे दिन में स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होगी और आपको पूरे दिन बहुत ही संतुष्टि महसूस होगी। सुबह नाश्ते में सिर्फ उबले हुए दो अंडे खाने से आपका वजन यकीनन तौर पर कम होगा और आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा, क्योंकि अंडों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। आपके शरीर में किसी तरह की कमी नहीं होगी। नंबर तीन, लो फैट पनीर। जिस प्रकार अंडे हैं उसी प्रकार कम फैट वाला पनीर है। आप 100 ग्राम कच्चा पनीर नमक लगाकर खा लीजिए और फिर देखिए आपकी भूख एकदम शांत हो जाएगी और आपको अगले काफी घंटों तक कुछ भी खाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। लो फैट पनीर में बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होते हैं। इस प्रकार आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका वजन कम होगा, क्योंकि आप कैलोरीज कम मात्रा में खा रहे होंगे। इस प्रकार पनीर की स्टाइटी वैल्यू भी काफी ज्यादा हाई है। आपको दिन में कभी भी भूख लगे और आपका मन कुछ खाने को करे तो कुछ भी और गलत खाने की बजाय आप कच्चे पनीर के ऊपर नमक लगाकर खाइए, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ज्यादा सटाइटी वाली चीजें खाने से थोड़ी सी कैलोरीज में ही आपका पेट भर जाता है, जिससे पूरे दिन में आप कम खाते हैं, आपको कम कैलोरीज मिलती हैं, जिससे आपका वजन कम होता है। पनीर में भी पोषक तत्व भरपूर होते हैं, जिससे आपके शरीर में कोई कमी नहीं आती है। पनीर में प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है। नंबर चार, पॉपकॉर्न। अगर आपका मन कुछ स्नैक्स खाने को कर रहा है तो आलू के चिप्स खाने की बजाय या कोई और गंदा गलत स्नैक्स खाने की बजाय आप पॉपकॉर्न खाइए, क्योंकि पॉपकॉर्न खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन पॉपकॉर्न बिना तेल के होने चाहिए। पॉपकॉर्न में फाइबर काफी अधिक मात्रा में होता है और कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं। पॉपकॉर्न को ज्यादा मात्रा में खाने से भी आपको बहुत ही कम कैलोरीज मिलती हैं, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे आपको इन्हें खाने के बाद संतुष्टि मिलती है। पॉपकॉर्न सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि यह काफी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए जंक फूड खाने की बजाय पॉपकॉर्न खाइए और अपने वजन को बढ़ने से रोकिए। नंबर पांच, सूप। सूप पीने से भी आपका वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन सूप घर का बना हुआ होना चाहिए। बाजार के बने हुए सूप में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बाजार के बने हुए सूप में क्रीम भी हो सकती है, जिससे सूप में कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती है और यह सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। घर पर वेजिटेबल सूप बनाने के लिए 3-4 सब्जियों को इकट्ठा कर लीजिए, जैसे पालक, टमाटर, गोभी, टिंडा, घिया, जो भी सीजन के हिसाब से आपको सब्जियां मिल जाएं। इन्हें छोटा छोटा काटकर पानी मिलाकर कुकर में उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसी पानी के साथ ही इन सब्जियों को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, बस सूप तैयार है।
इसमें स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला लीजिए। दाल का सूप तैयार करने के लिए 3-4 किस्म की दालों को उबाल लीजिए और उसके बाद इसी पानी में इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। बस दाल का सूप तैयार है। स्वाद अनुसार बीच में नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला लीजिए। बस इन सूप्स में आपको फैट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह के सूप पीने से आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है, आपका पेट भर जाता है, कैलोरीज भी कम मिलती हैं और आपका वजन भी नहीं बढ़ता है और आपको पोषक तत्व भी भरपूर मिलते हैं। दिन में जब भी आपको भूख लगे तो इस तरह का सूप पी लीजिए, इससे आपको मोटापा नहीं आएगा। अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले इस तरह का सूप पीते हैं तो आप भोजन भी कम खाएंगे, जिससे आपको कम कैलोरीज मिलेंगी और आपका वजन कम होगा। नंबर 6, सेब। सेब आप जितना मर्जी खा लीजिए, आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। फलों में सेब का सटाइटी इंडेक्स काफी ज्यादा हाई है। सेब खाने के बाद आपको काफी ज्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि सेब में पेक्टिन नाम का सॉल्युबल फाइबर होता है जो पाचन को धीमा करता है, जिसके कारण आपको काफी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। सेब में 85% तक पानी होता है, जिसके कारण आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपको कैलोरीज नहीं मिलती हैं। इससे आपका वजन नहीं बढ़ता है बल्कि आपका वजन कम होता है। सेब हमेशा छिलके समेत खाना चाहिए, इससे आपको पेट भरा होने का एहसास ज्यादा लंबे समय तक रहता है। सेब को भी भोजन से आधा घंटा पहले खाने से आप भोजन कम खाते हैं, जिससे आपको कम कैलोरीज मिलती हैं और आपका वजन कम होता है। नंबर 7, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स खाने से भी आपका वजन नहीं बढ़ता है। भूख लगने पर आपको संतरा, अंगूर जैसे फ्रूट खाने चाहिए। इनमें भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है और पेक्टिन भी होता है, जिसके कारण आपको संतुष्टि मिलती है और आपकी भूख शांत होती है, लेकिन आपको कैलोरीज ज्यादा नहीं मिलती हैं, जिससे आपका वजन नहीं बढ़ता है। नंबर 8, मछली। मछली खाने से भी आपका वजन नहीं बढ़ता है। मछली में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिससे आपकी भूख जल्दी शांत होती है। थोड़ी सी मछली खाने से ही आपको संतुष्टि मिल जाती है, जिससे आपको कैलोरीज कम मिलती हैं लेकिन आपकी भूख जल्दी शांत हो जाती है। इस प्रकार मछली खाने से भी आपका वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन मछली तेल में बनी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर मछली तेल में बनी होगी तो उसमें कैलोरीज ज्यादा होंगी, जिससे आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप अपने एक समय के भोजन में मछली खाएंगे तो यह देखा गया है कि आप अपने अगले भोजन में कम कैलोरीज खाते हैं, इससे आपका वजन कम होता है। मछली को बाकी सभी तरह के हाई प्रोटीन फूड्स में से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग पाया गया है, यानी सबसे कम मात्रा में खाने से ही भूख को शांत करने वाला पाया गया है। नंबर 9, लीन मीट। लीन मीट वह होता है जिसमें फैट बहुत ही कम मात्रा में होती है, जैसे कि चिकन। इस तरह का मीट खाने से भी आपका वजन नहीं बढ़ता है। अगर आप किसी भी तरह का हाई प्रोटीन फूड खाते हैं जिसमें फैट बहुत ही कम है, तो ऐसा फूड वजन कम करने में सहायक होता है और ऐसे फूड को खाने से कभी भी वजन नहीं बढ़ता है। लीन मीट में भी प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा खाने पर ही संतुष्टि मिल जाती है, जिससे कैलोरीज कम मिलती हैं, जिसके कारण वजन नहीं बढ़ता है। पर ध्यान रहे, लीन मीट भी ज्यादा फैट में बना हुआ नहीं होना चाहिए, तंदूरी सबसे अच्छा रहता है। यह देखा गया है कि अगर आप दोपहर के खाने में लीन मीट खाते हैं तो रात के खाने में आप कम कैलोरीज खाते हैं, इससे आपका एक दिन का कैलोरी इनटेक कम हो जाता है, जिसके कारण आपका वजन कम होता है। नंबर 10, नट्स यानी ड्राई फ्रूट, जैसे बादाम, काजू, अखरोट वगैरह। नट्स खाने से भी आपका वजन नहीं बढ़ता है। अगर आपको भूख लगी है तो कोई और स्नैक्स खाने की बजाय आप एक मुट्ठी नट्स खा लीजिए। आप देखेंगे कि 15-20 मिनट के बाद आपकी भूख एकदम शांत हो गई है और आपका मन और कुछ भी खाने को नहीं कर रहा है। एक मुट्ठी नट्स से आपको कैलोरीज भी ज्यादा नहीं मिलेंगी। इस प्रकार आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। नट्स में पोषक तत्वों की मात्रा भी भरपूर होती है, इसलिए नट्स खाइए, वजन को बढ़ने से रोकिए और तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन उप्पल। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।